नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 36,348 से फाइनल क्लोजिंग मिली है और कल की क्लोजिंग से हम 330 पॉइंट ऊपर जाके हमने बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। जैसा कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी तो मैंने आप लोग को बताया था कि शूटिंग स्टार के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल सकता है 500 से 700 पॉइंट का, और वो मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला। और यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम 330 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुए, इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए नीचे से लगभग हम 1000 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी है। यानी हमने जो लो मारा था लगभग 300 के आसपास का लो मारा और वापस हमने 348 पे क्लोजिंग की है। तो यानी नीचे से देखा जाए तो 1100 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, इस जोन के आसपास अगर बैंक निफ्टी 2-3 दिन यहाँ पे घूमता है और घूमने के बाद इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को बैंक निफ्टी में यहाँ पे मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी ने 2 दिन देखिए यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इस नई मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी बिल्कुल तैयार होकर खड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट यह है कि एक बेस्ट मूवमेंट हमें तभी मिलेगी क्लोजिंग बेसिस पे, तभी आपको लेके जाना है जब हम 36,820 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने लगे या 36,820 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो नई मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगी, जो कि बैंक निफ्टी को 38,000 के आसपास तक लेके जा सकती है, जो कि हमारा अगला जो रजिस्टेंस है वो है 38,000 के आसपास का। तो यहाँ से लगभग 1200 से 1400 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए, अगर हम इसी जोन से निकलने के बाद यहाँ से हम इस लेवल को क्रॉस करके डेली चार्ट पे क्लोज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आज एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे 1000 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है और जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 600 के आसपास, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिनों से हम 600 का हाई लगा रहे हैं। जैसे ही हम 600 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन और फ्री चार्ट वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे फ्री प्रीमियम लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे कल हम बैंक निफ्टी को किस जगह पे बाइंग कर सकते हैं। कल मैंने क्या बताया था आप लोग को बैंक निफ्टी में करने के लिए, सारी एनालिसिस देखते हैं। चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए, वीडियो देखकर भाग मत जाइए लेवल देखकर। यहाँ पे जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप फुल प्रॉफिट लेके नहीं जा पाएंगे। हो सके मूवमेंट बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट का दिया हो, आप यहाँ पे 50 पॉइंट लेके भाग जाएंगे, इसलिए सीखने की कोशिश कीजिए। कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद में ये नीचे की साइड में 900 को ब्रेक करता है 4-5 मिनट बाद में, तो हम इसको बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। लेकिन ये पहले मिनट में 800 का लो लगाया, 800 का लो लगाने के बाद यहाँ 5 मिनट पे एक इनसाइड कैंडल बनी। ध्यान रखिएगा, इनसाइड कैंडल की वीडियो मैंने डाली है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे, तो वहां पे जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहां पे इनसाइड कैंडल बनी, तो इनसाइड कैंडल के बाद हमें यहां पे सेल करने का मौका मिला। यानी यहां पे हमें पुट लिया, मैंने 35,900 और 36,000 का पुट लिया और पुट ने काफी अच्छा मूवमेंट यहां पे हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिला। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर 5-7 मिनट में पहले ब्रेक कर देता है तो फिर प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखेंगे, कुछ सेटअप बनेगा, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें यहां पे देखने को मिल गई 15 मिनट के चार्ट पे। दो चीजें कल मैंने बताई थी, पहली चीज तो ये बताया था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी में नीचे की साइड की मूवमेंट ओपन होगी, और अगर ये इसके ऊपर निकलता है यानी 220 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो यहां पर भी एक अच्छी मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी, जो कि मैंने प्रीमियम ग्रुप में और दोनों ही एनालिसिस ग्रुप में। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च कीजिए घनश्याम टेक एनालिसिस और वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। लगभग 2,17,000 लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मैंने एनालिसिस ग्रुप में ऑलरेडी बताया था कि 36,170 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ से 120 से 150 पॉइंट, 180 पॉइंट की एक एक्स्ट्रा मूवमेंट हो सकती है, जो कि जबरदस्त मूवमेंट यहाँ से लगभग 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमें करके दिखाया। और इसके लिए मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में कॉल भी पोस्ट की थी, उस कॉल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो चीज़ों को सीखिए, समझिए, चार्ट को देखिए, चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत अच्छी मूवमेंट करने के बाद में थोड़ा सा एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, और जैसे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट निकला, एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे फिर से हमें देखने को मिली। तो अब चलिए देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड करना है। ध्यान रखिएगा, कल के लिए हमारे लिए ये एरिया रेजिस्टेंस जोन है, तो इस एरिया पे नज़र बना के रखिएगा, ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट, देखिए मार्केट क्लोज है कहीं इस जगह पे 338 पे, 348 के आसपास, यानी इस जोन के बीच में कहीं पे हमने क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट मान लीजिए पहले 5 मिनट में ही फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर आज के हाई को क्रॉस करता है, देखिए पहले 5 मिनट के अंदर में अगर ओपन होता है और पहले 5 मिनट के बाद, देखिए ओपन कहाँ पर होना चाहिए, कल के हाई से नीचे ही ओपन होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर कल के हाई से नीचे ओपन होता है, यानी जो आज का हमारा हाई है
कल के लिए, ये कल हो जाएगा। तो आज का जो हमारा हाई है, आज के हाई के नीचे ओपन होना चाहिए और 1-2 मिनट बाद ही हाई को क्रॉस करेगा। तो पहला टारगेट जो आपको मिल सकता है वो मिल सकता है 36,620 का, पहला टारगेट मिल सकता है। सेकंड टारगेट यहाँ पे 36,780 का, और थर्ड टारगेट हमें मिलेगा 36,920 का। ये तीन टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी पे, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और पहले 5 मिनट के अंदर में ही आज के हाई को क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट नज़र बना के रखिएगा। यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा, यहाँ पे जरूर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 2 बार से हमने यहाँ पे टेस्ट किया, 2 दिन हम यहाँ पे गए, 1 दिन पूरा हमने यहाँ पे ट्रेड किया, ऊपर की साइड में निकल नहीं पाए, अगले दिन हम नीचे ओपन होकर वापस ऊपर की तरफ गए लेकिन हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए। तो हो सकता है कल भी अगर गैप अप ओपन होगा तो ये एरिया रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर नीचे फ्लैट ओपन होते हैं तो ये एरिया बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस करेगा, उसके बाद ही हम यहाँ नई पोजिशन बनाएंगे। पहली पोजिशन तो हमें आज के हाई के ऊपर ही बना लेनी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर बैंक निफ्टी 170 के लेवल, जो आज का बाइंग लेवल था, ध्यान रखिए आज का जो मैंने बाइंग लेवल दिया था, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में, ध्यान रखिएगा ये 5 मिनट के बाद ब्रेक होना चाहिए, पहले 5 मिनट में अगर ये ब्रेक होगा तो शांति से बैठे रहेंगे। अगर ये 5 मिनट इसी जोन के अंदर में कहीं पे 400-300 इस जोन के अंदर में अगर 5-10 मिनट ट्रेड करने के बाद में अगर ये 36,170 के लेवल को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 36,020 पहला टारगेट होगा, 35,900 दूसरा टारगेट होगा, और 35,780 ये हमारा तीसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। लेकिन ध्यान रखिएगा ये लेवल जो है वो कम से कम 5 से 7 मिनट बाद ही ब्रेक होना चाहिए, तभी हम इस पर ट्रेड करेंगे। यानी पहली कैंडल तो यहाँ पे 200 के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, 200 के ऊपर क्लोज होने के बाद सेकेंड कैंडल अगर 170 को ब्रेक करेगी तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, छोटा सा रिस्क लेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे 36,250 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आपको ट्रेड ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करूंगा। सबसे अच्छा ट्रेड ये होगा कि फ्लैट ओपन होने के बाद आज के हाई को क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे 36,400, 36,300 या 36,500 की कॉल लूंगा, जो कि अगर यहाँ से अगर 150 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है तो मेरा जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो कम से कम यहाँ पे 20-25% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप हम ओपन हो गया, गैप अप मान लीजिए अगर हम गैप अप इस जोन में कहीं पे ओपन होते हैं 600 वाले जोन में, यानी हमने 348 पे क्लोज किया है तो लगभग 300 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर कंसॉलिडेट करने के बाद में अगर ब्रेकआउट होता है तो एक फ्रेश मूवमेंट आपको फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी, जो कि इसको 36,900 के पास तक लेके जा सकती है। लेकिन उसके लिए थोड़ी देर कंसॉलिडेट करें और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करें तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर किसी कारणवश बैंक निफ्टी यहाँ पे 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो, 36,000 के आसपास ओपन हो, तो पहली कैंडल पे नज़र बना के रखिएगा। पहली कैंडल अगर हैमर या ड्रैगन फ्लाई बनी तो यहाँ पे तुरंत ही बाइंग कीजिएगा, कुछ सोच विचार मत कीजिएगा, बस पहली कैंडल के लो का यहाँ पे एसएल लगा के आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी एक अच्छी मूवमेंट करते हुए वापस कल का जो आज का हाई है वहाँ पे पहुँच सकता है, लेकिन ये एरिया 36,000 के आसपास का होगा तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। कम से कम 300 से 350 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा तब हम यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बलती है तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आपको फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करके तो आपको फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।